एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, जहां पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और किसानों के मुद्दे पर दरअसल ये मुलाकात होगी। बता दें आपको, कैप्टन अमरिंदर पार्टी बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैप्टन अमरिंदर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और बताया था कि किसानों के मुद्दे पर वो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो बता दें आपको एक बड़ी जानकारी, कैप्टन अमरिंदर पार्टी बनाने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं और आज अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर मिलेंगे। पंजाब में राजनीतिक हलचल अभी जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैप्टन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां, मैं नई पार्टी बना रहा हूं, निर्वाचन आयोग से नाम और चुनाव चिन्ह की मंजूरी मिलने के बाद इसका ऐलान करूंगा। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर अमरिंदर ने कहा कि मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कभी नहीं की, हम सीट शेयरिंग कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तो बता दें आपको, कैप्टन अमरिंदर ने स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि गठबंधन की बात कभी नहीं की भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि सीट शेयरिंग की जा सकती है अगर किसानों का मसला हल हो जाए। हालांकि अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद ही गर्म है। और कविता सैनी हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गई इस खबर पर और जानकारी के लिए। कविता, कैप्टन अमरिंदर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ है उनका कार्यक्रम, कितने बजे वो दिल्ली पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह कल ही यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसी टाइम उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वह रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने बोला था कि वे कल ही जो है वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और आज वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हालांकि समय तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन वो मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही कृषि कानून में जो काफी समय से किसान आंदोलन चलता रहा है उसका हल जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आज जो गृह मंत्री से मुलाकात होगी कृषि कानूनों के पे जो है वो बातचीत की जाएगी और समाधान निकालने की जो है वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे कई बार किसान नेता जो है वो मुलाकात कर चुके हैं केंद्र सरकार से, लेकिन पर्दे के पीछे की बात जो है वो पर्दे में ही रहेगा या अधूरी बैठकें जो हुई है तो उन सबको अब वो पूरा किया जाएगा और जो मुलाकात करेंगे उसके साथ ही कृषि कानून का हल निकाला जाएगा। और साथ ही उस दौरान पंजाब से कृषि कानून में एक्सपर्ट मौजूद होंगे और उसके साथ किसान भी मौजूद होंगे जिनको, और आरटी भी मौजूद होंगे जिनके साथ बैठकर जो किसान आंदोलन को लेकर जल्द से जल्द हल जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। और पंजाब में अगर की जाए विधानसभा चुनाव भी है, सिर्फ कहीं ना कहीं 2 महीने बाकी बचे हैं, दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि पार्टी के पास समय भी कम है प्रचार प्रसार करने का। तो किसान जो कहीं ना कहीं है काफी बड़ा वोट बैंक भी है पंजाब में, तो इस तरीके से अब जो कृषि कानून का जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है जिससे काफी समय से चलता रहे, उसको जल्द से जल्द जो है उसका हल किया जाएगा। और इसीलिए आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कविता, जो चर्चाओं का बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म है। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के मुद्दे पर अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है। अगर मायनों की बात करें तो क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? तो बिल्कुल, जब आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसी समय से जो कह सकते हैं पंजाब की सियासत में काफी हलचल तेज हो रही है, चर्चाएं काफी हो रही हैं। और जब पहले वो उन्होंने दिल्ली में मुलाकात करी तब उन्होंने कहा कि वे मुलाकात करने नहीं गए बल्कि अपने घर पर गए हैं,
तो दूसरी बात पर जब वो दिल्ली जाते हैं तब भी यही काफी कुछ निकल कर सामने आया था कि शायद अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो शायद बीजेपी के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। इस तरीके से लगी कि बीच जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी के बारे में घोषणा करते हैं कि वे हालांकि उन्होंने नाम नहीं घोषित किया लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि वो अपनी नई पार्टी जल्द बनाएंगे। और अभी उन्होंने कल चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी यही लगाया जा रहा था मायना कि शायद वो अपनी नई पार्टी की जो है वो घोषणा कर सकते हैं, उसका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि वो नई पार्टी का ऐलान करने नहीं आया, लेकिन हालांकि इस पर जरूर उन्होंने ये जरूर कहा कि वे उनके वकील जो है इस पर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद चुनाव चिन्ह के साथ जो है नई पार्टी का ऐलान जल्द ही हो सकता है, शायद दिवाली से पहले हो जाए या दिवाली के बाद, लेकिन जल्द जो है वो इसका ऐलान कर देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी तब बोला कांग्रेस के कई नेता जो हैं उनके साथ संपर्क। कविता, एक सवाल और अगर आप जल्दी से इसका जवाब दे दें, हालांकि आंदोलनकारी नेता लगातार कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नेताओं से हमारा लेना देना नहीं है, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर की इस मुलाकात से और जो समाधान की बात खुद कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं, क्या किसान नेता इसको स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में जवाब दें। जी बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है आज मुलाकात करे, हालांकि किसान नेताओं का यही कहना है, शुरू से ही उनका यही कहना है कि वे किसी भी पार्टी के साथ जो है वो नहीं जुड़ना चाहते। इसी बीच अगर बात की जाए, बहुत बार ये भी बात हुई जब अकाली दल उनके साथ था और उसके साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तब हर बार किसान नेताओं का ये कहना था कि वे किसी भी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो नहीं मुलाकात करना चाहते। लेकिन बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल कविता सही कहा आपने, लेकिन जो बात कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे और समाधान की तलाश करेंगे। शुक्रिया कविता इस तमाम जानकारी के लिए।